नमस्कार प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर मुजफ्फरनगर से है। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में 36,590 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र व मुजफ्फरनगर के भी 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के द्वारा मिला। जनपद मुजफ्फरनगर के डीएम कार्यालय स्थित एनआईसी कार्यालय में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेसिक शिक्षा विभाग में यूपी के अंदर 69,900 शिक्षकों को भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत द्वितीय चरण में 36,590 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए, जिसमें जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर 5 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयनित शिक्षकों को उनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्हें बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया। वहीं चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नियुक्ति पत्र देने पर आभार प्रकट किया। एनआईसी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान खतौली विधायक विक्रम सैनी, जिला पंचायत अध्यक्ष आंचल तोमर व सीडीओ आलोक यादव और बेसिक शिक्षा अधिकारी माया राम और चयनित अभ्यर्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बीएससी माया राम ने सीडीओ विधायक व जिला पंचायत अध्यक्ष को फूल देकर सम्मानित किया। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। जी, ये हमारे जो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत शेष रह गए थे, उसमें से जनपद मुजफ्फरनगर को 5 कैंडिडेट प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 4 को अभी हमने नियुक्ति पत्र वितरित किया माननीय जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से। जी, जो 5वां है सर, उसके बारे में। 5वां एक कैंडिडेट उसमें से कहीं अन्य जनपद में सेवारत है, इसलिए उनका लंबित रखते हुए अभी शेष 4 के वितरित किए हैं। नवनियुक्त अध्यापक हैं, भिन्न भिन्न जिलों में उनको बांटे गए हैं। मुजफ्फरनगर में 5 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। क्या मुख्यमंत्री द्वारा, क्या मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाई अब तक 2 वर्षों से अटका रखी थी, कोई भी लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले जाते थे, जो प्रक्रिया जो सरकार की थी उसी को सुप्रीम कोर्ट ने मानी है और आज 2 साल बाद इनको नियुक्ति पत्र मिले हैं। तो विपक्ष ने बहुत सारा नुकसान दिया है, 2 साल पहले ये लोग 1.5 साल पहले नियुक्त हो जाते, अब नियुक्ति पत्र मिला है। मुख्यमंत्री जी ने सभी नवनियुक्त अध्यापकों से कहा है कि वे बच्चों को सही से पढ़ाएं, सही शिक्षा दें, ये भविष्य है हम भारत का। अच्छा विधायक साहब, कितनों को दी गई है मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर 5, पहले 250 के आसपास थे, इस बार 5 अध्यापक को दिए गए। जी, आपका नाम? मेरा नाम शाजमी फातिमा। जी शाजिमा जी, आज आपको नियुक्ति पत्र मिला है, किस तरह का महसूस दे रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है जी। मुख्यमंत्री जी ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और 9 साल बाद मुझे नौकरी मिली है, मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, इससे पहले सपा की सरकार भी थी, बसपा की भी थी, क्या तब उसमें किस तरह का? सर उसमें तो हुआ ही नहीं हमारा, 72,000 में मैंने अप्लाई किया था लेकिन हो नहीं पाया। क्या कहना चाहती है सरकार के बारे में? सर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है शिक्षक बनने के बाद, और मैं सर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगी कि सर ने हमारा बहुत ध्यान, जी मुख्यमंत्री जी हमारा बहुत ध्यान रखा।